कल जो तुमने मुझसे बात पूछी थी कि काला जादू होता है, क्या जादू होता है, क्या ऐसा कोई जादू होता है जिससे किसी की ज़िंदगी पर भी असर कर जाए, तो मैं तुम्हें आज जवाब देता हूँ कि ऐसा कोई भी जादू नहीं होता है। ना कोई काला जादू होता है और ना ही कोई टोना टोटका होता है। तुम जिन चीज़ों से डर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं। तुम्हें लगता है कि शायद तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया है, या हो सकता है किसी ने टोना टोटका किया है, किसी ने तुम्हारा कुछ बुरा किया है। यही कारण है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होते होते कुछ गलत हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी वाजिब है, तुम परेशान हो और परेशान होना तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ तुम परेशान हो रहे हो और जिस दिशा में तुम्हारा दिमाग जा रहा है, वहाँ से वापस लौट आओ। किसी ने कुछ भी नहीं किया है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, कई बार परेशानियाँ आती हैं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब परेशानियाँ आती हैं तो परेशानियाँ हमें ये बताने के लिए आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं, तुम कितनी मजबूती के साथ खड़े रहते हो, तुम कितनी मजबूती के साथ मुश्किलों का सामना करते हो, और उस दौरान कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है, कौन तुम्हारे सामने अपनेपन का ढोंग करता है। इन सब चीज़ों की पहचान करवाने के लिए कई बार परेशानियाँ आती हैं। कई बार छोटी सी परेशानियाँ आती हैं और निकल जाएंगी, कई बार परेशानियाँ बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी मैं इतनी बड़ी नहीं होने दूंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करूँगा। तुम निश्चिंत रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। बाकी सब अपने बाबा पर छोड़ दो। जब तुम्हारा बाबा है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी के लिए खुश रहो, सदा खुश रहो।